कहते हैं वो कवि ही क्या जो लाउड ना हो। जी हाँ, और वो कविता ही क्या जिसमें लय वाली साउंड ना हो। गौरव चौहान ने हाथ उठा दिया है। कवियों की दुनिया में तिल का ताड़ बनता है और कभी कभी राई का पहाड़ भी बन जाता है। तो मंदिर मस्जिद पर लगने वाले नेताओं की रैलियों में सजने वाले लाउड स्पीकर पर आज हमने सजाई है कवियों की ये महफिल और निकाल लिया है मुद्दों वाला लाउड स्पीकर। तो क्या है मुद्दों के लाउड स्पीकर से कवियों की आवाज, सुरीली आवाज, और क्या है कवियों का लाउड स्पीकर पर अनूठा अंदाज सुदीप जी जैसा, यही हम आपको बताएंगे। और आज हमारे साथ मौजूद है सुदीप जी, बहुत स्वागत है, बहुत दिन बाद आए और हम आज सुदीप जी का वेलकम बैक कर लेते हैं। शम्मू जी बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद। पंकज मेरे दोस्त हमारे साथ हैं और अनामिका जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, और हमारे सुरीले दोस्त भी हमारे साथ हैं, गौरव चौहान बहुत स्वागत है आपका। तो वेलकम बैक हुआ है, जरा लाउड स्पीकर वाला दर्द सुना दीजिए, क्या है बेचारा लाउड स्पीकर क्या सोच रहा है। अब ये जो पॉलिटिकल टूल की तरह से इस्तेमाल होने लगा है ये लाउड स्पीकर, लेकिन हम लोगों की समस्याएं अलग हैं। जैसे तैसे कवि सम्मेलनों में पहले तो हम लाउड स्पीकर से लोगों को सोने नहीं देते, फिर जब हमें घर जाके सोने का मौका मिलता है तो लाउड स्पीकर हमें सोने नहीं देते। अच्छा, आजकल अलग अलग टाइप के भी बजने, कभी ये बजाते हैं कभी वो बजाते हैं। मुझे लगता है कि इस समाज में से पर्दा प्रथा उन्मूलन का जो दूसरा दायित्व है स्पीकर निपटाएगा। पर्दा प्रथा, कान के पर्दे की बात कर रहा हूं। पर्दा प्रथा, वाह वाह क्या बात है, कान का पर्दा ये बहुत बड़ा वो है, समाज सुधारक है हमारा स्पीकर, सुनिएगा। पर्दा प्रथा कि कभी इसने बजा दिया, कभी उसने बजा दिया, कभी इसने बजा दिया, कभी उसने बजा दिया, ओ साथी रे पर्दा हिला दिया, कान पर भौंपू बजा दिया, क्या बात है, पर्दा हिला दिया रे, कान पर भौंपू बजा दिया। अब समस्या शुरू होती है। हाँ। रात भर सो न सके हैं, रात भर सो न सके हैं, किसी के हो न सके हैं। सपना आएगा तो सपने में कोई आएगा, सपना आएगा सपने में कोई आएगा। आप पहले आदमी हो जो रात में जागे भी हो और किसी को हो भी नहीं पाए। सपने में होना पड़ता है। अच्छा। रात भर सो न सके हैं, किसी के हो न सके हैं, सुबह तड़के उठ बैठे नहा और धो न सके, सुबह तड़के उठ बैठे नहा और धो न सके हैं, किसी बेगानी शादी में, किसी बेगानी शादी में दीवाना अब्दुल बना दिया, बोलो राधे बोलो राधे बोलो राधे बोलो राधे, ओ अल्लाह रे कैसा सिला दिया रे, कान का पर्दा हिला दिया, कभी इसने बजा दिया, कभी उसने बजा दिया, ओ साथी रे हाय भौंपू बजा दिया रे, कान पर भौंपू बजा दिया। तो रिक्वेस्ट, हाँ, डीजे वाले बाबू जरा धीमे बजा लो, अरे डीजे वाले बाबू जरा धीमे बजा लो, डीजे वाले बाबू जरा हौले बजा लो, ओ डीजे वाले जरा हौले से बजा ले, थोड़ा वॉल्यूम नीचे कर ले, थोड़ा बेस तू घटा ले, ओ डीजे वाले जरा हौले से बजा ले, थोड़ा वॉल्यूम नीचे कर दे, थोड़ा बेस तू घटा ले, प्रोग्राम तो चालू रंदे माइक, प्रोग्राम तो चालू रंदे माइक, केवल टेस्ट न कर, कान के पर्दे फट जाएंगे, कनबहरी रिक्वेस्ट न कर, बुंदेलखंडी में कहते कनबहरी, कान के पर्दे फट जाएंगे, कनबहरी रिक्वेस्ट न कर, ओ डीजे वाले जरा हौले से बजा, ओ डीजे वाले जरा धीमे से बजा,
धीमे बजाएगा तो आएगा मजा। काले बाबू जरा हौले बजा ले। बहुत अच्छी भाई सुनी भाई। पर्दा है पर्दा, पर्दा है पर्दा कानों के पीछे, पर्दा है पर्दा आंखों के आगे, पर्दा है पर्दा और अकल पर, पर्दा है पर्दा पर्दे वालों को बेपर्दा ना कर दूं तो भापू में भापू मेरा। हमारे तो कवि हुए भापू जी, मैं उनको याद करता हूँ। क्या बात है, क्या बात है, मेरा नाम नहीं है। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, कुछ को तो लाउड स्पीकर की जरूरत पड़ती है और कुछ की मुस्कान ही काफी होती है। देख लीजिए, आपको जरूरत है लाउड स्पीकर की? नहीं, मुझे लेकिन संबोधित करने की जरूरत है। सुनो भाइयों और बहनिया, भाइयों और बहनिया ये मजहब की दुकनिया, भाइयों और बहनिया धर्म की दुकनिया, जो चलाई भरोगे खामियाजा, योगी बाबा बजा देंगे बाजा, योगी बाबा बजा देंगे बाजा, योगी बाबा। यहीं से शुरू करती हूँ, ये बिल्कुल रिलेशन जो एक के बाद एक मिला हुआ है, वहीं से कहती हूँ कि लाउड जितने हैं करो लो स्पीकर, लाउड जितने हैं करो लो स्पीकर, वाइब्रेट होंगे दुआओं के सब स्वर, वाइब्रेट होंगे दुआओं के सब स्वर, यात्रा न कोई जुलूस निकलेगा, लीना परमिशन तो जूस निकलेगा, बुलडोजर पर छपेगा दरवाजा, योगी बाबा बजा देंगे बाजा, योगी बाबा बजा देंगे बाजा, योगी बाबा बजा देंगे बाजा, योगी बाबा। ये बीन बज रही है जैसे आप बाजा समझ रहे हैं, इसलिए कहती हूँ साइलेंट मोड पर स्पीकर, करो साइलेंट मोड पर स्पीकर, साइलेंट मोड पर स्पीकर हो, साइलेंट मोड पर स्पीकर, स्पीकर हाँ स्पीकर, स्पीकर लाउड स्पीकर हो, साइलेंट मोड पर स्पीकर, ये धर्म का सिग्नेचर नहीं, अब कान सहे टॉर्चर नहीं, साइलेंट मोड पर स्पीकर करो, साइलेंट मोड पर स्पीकर, के शोर के बदले भावों से लो काम। सैल्यूट आपकी इस दाद पर, कि शोर के बदले भावों से लो काम, मिल जाएंगे ईश्वर लाराम। क्या बात है, हाँ शोर के बदले भावों से लो काम, मिल जाएंगे ईश्वर अल्लाह राम, आवाजों से लगाओ ना बदाम, श्रद्धा को मत कर डालो बदनाम, अब ना कोई नफरत बजे, अब ना कोई नफरत बजे, हसरत नहीं उल्फत बजे, इस देश की बस एकता के शब्द की सूरत बजे, इंसानियत को तोड़ दे, इंसानियत को तोड़ दे, फेंको कोई पत्थर नहीं, साइलेंट मोड पर स्पीकर हो, साइलेंट मोड पर स्पीकर, स्पीकर लाउड स्पीकर हो, साइलेंट मोड पर स्पीकर। क्या बात है, क्या बात है। धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले, धर्म से दंगा चुनना ले, धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले, धर्म से दंगा चुनना ले, धर्म का ये स्तर नहीं, जायज लाउड स्पीकर नहीं, धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले, धर्म से दंगा चुनना ले,
हर दिल में उस रब की है सरकार, फिर भोंपू क्यों बजता पंचम बार। मन में पढ़ लो भागे भूत मसान, भोंपू पर क्यों चालीसा हनुमान। बसरार है तकरार है, मजहब का बस बाजार है। धर्म शोर का घर नहीं, ये दिखलावे का दर नहीं। धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले, धर्म से दंगा चुनना ले। और एक और बात कहता हूँ, ऊपर वाला सुनता मन की पीर, बहरा नहीं है कह गए संत कबीर। तो फिर मन से लो उस रब का नाम, पूजा घर में भोंपू का क्या काम। जब भोर हो नहीं शोर हो, जागो स्वयं निभाओ धर्म। मंदिर सायरन स्वर नहीं, मस्जिद भी अलार्म घर नहीं। धीरे धीरे बोल कोई। और आखिर सुने, मंदिर हो या मस्जिद की मीनार, एक बराबर कानूनी व्यवहार। और कोर्ट अदालत, ये सुना, कोर्ट अदालत ऐसा करे प्रबंध, सबका बजे या सबका ही हो बंद। सबका बजे, सबका बजे या सबका ही हो बंद। ए पार्टियों रुख मोड़ दो, वोटों का लालच छोड़ दो। बहकेगा वोटर नहीं, चल पाएगा चक्कर नहीं। धीरे धीरे बोल कोई सुना ले, धर्म से दंगा चुना ले। धर्म का ये स्तर नहीं, जायज लाउड स्पीकर नहीं। धीरे धीरे बोल कोई। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया गौरव, बहुत ही, थैंक यू, बहुत अच्छा। शंभू जी, सब अपने हिसाब से कह रहे हैं, मैं अपने हिसाब से कह रहा हूं। आप तो वैसे ही लाउड है, लाउड है ना। महबूबा की गली में तो बस जाके पिट गए, पत्थर उठाया हाथ मार खा के पिट गए। पत्थर उठाया हाथ मार खा के पिट गए। कुछ लोग तो भोंपू बजा बजा के बच गए, हम गाड़ी का ही हॉर्न बजा कर के पिट गए। अब कोई किसी पर भी न पत्थर को उछाले, देशवासी मेरे चलो कुछ तो बचा ले। इस मुल्क से मुद्दों से अब है गायब हो गए, इस मुल्क से मुद्दे तो अब है हो गए गायब। यह देश हो गए भोपू के हवाले, भोपू के हवाले। एक मुक्तक विशेष जो मैं जीएनटी के मंच से पूरे देश को, पूरी दुनिया को कहना चाहता हूं। क्यों मानते नहीं है ये उदारता का देश, क्यों मानते नहीं उदारता का देश है, क्यों मानते नहीं उदारता का देश है। कविता के साथ साथ ये तो कथा का देश है, कविता के साथ साथ ये कथा का देश है। खेतों में यहाँ नागफनी उग नहीं सकती, खेतों में यहाँ नागफनी उग नहीं सकती। यह देश गंगा जमनी सभ्यता का देश है, यह देश गंगा जमनी सभ्यता का देश है। और हम सब लाउड स्पीकर पीछे देख रहे हैं, मैं सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ना ही किसी पे बेबस पत्थर यूं चलाओ, और ना कोई मकान या दुकान गिराओ। यह देश सभी का है, सभी है इसी के बस, सब एक साथ देश का ही गाना सुनाओ, सब एक साथ देश का ही गाना बजाओ। बहुत बढ़िया शंभू जी, बहुत खूब। यानी जिस तरीके से देखिए, ये खासियत है कवि सम्मेलन की, हमारे कवियों की, कि बड़े मुद्दे के बीच में से हम किस तरीके से मुद्दे उठा कर लाते हैं। वो असल मुद्दा जो दब रहा है, ठीक बात है, महंगाई, बेरोजगारी, नौकरी नहीं है, सही बात है जी। अरे
इस सबके चक्कर में लाउड स्पीकर की भी पीड़ा याद रखो भाई। अच्छा, सबके चक्कर में ये जो हम लोग कह रहे हैं कि धर्म धंधा सब लाउड स्पीकर, नहीं नहीं नहीं, मैंने इधर घूम के इसलिए बोला। कुछ माइक के पीछे वाले इंसानों का ये काम हुआ, कुछ माइक के पीछे वाले इंसानों का ये काम हुआ, कुछ इसमें माइक का भी थोड़ा सा तो योगदान हुआ। कुछ माइक के पीछे वाले इंसानों का ये काम हुआ, कुछ इसमें माइक का भी थोड़ा सा तो योगदान हुआ। करता कोई भरता कोई ये बात दोबारा सिद्ध हुई, करता कोई भरता कोई ये बात दोबारा सिद्ध हुई। लाउड स्पीकर पूछ रहा सबसे क्यों मुफ्त में मैं बदनाम हुआ। क्यों मुफ्त में बदनाम हुआ? तो मैंने कहा लाउड स्पीकर से आओ एक दिन मैं और तुम बातें करते हैं। हाँ। तो मैं और लाउड स्पीकर एक दिन बैठे, हम दोनों ही छत पे बैठे थे। हम दोनों ने बात की, आपको ही जाना पड़ा होगा छत पे। हाँ। स्पीकर तो पहले से पहले से ही वहां पे लगे हुए थे। मैं ही उनमें से एक के पास चला गया। जो नीचे वाला लाउड स्पीकर है वो उससे भी ज्यादा तेज है। तो मैं और मेरा लाउड स्पीकर अक्सर ये बातें करते हैं। मैं और मेरा लाउड स्पीकर अक्सर ये बातें करते हैं। तुम जरा देर चुप रह जाते तो क्या होता। तुम जरा देर चुप रह जाते तो क्या होता। तुम नफरती हथियार बनने से मना कर देते तो क्या होता। सब इस बात पे कितना हैरान होते, सब इस बात पे कितना परेशान होते। हम तुम इस हैरानी को देख कर कितना हंसते। तुम चुप रहते तो ऐसा ना होता। हाँ। तुम चुप रहते तो वैसा ना होता। क्या बात है। मैं और मेरा लाउड स्पीकर अक्सर ये बातें करते हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये कहाँ आ गए हम, यूं ही रोज रोज बजते सबकी छतों पे टंगे हैं, सबकी छतों पे टंगे हैं, जो जंग शस्त्र सजते। ये कहाँ आ गए हम। तू जो बोला वो मैंने बोला। हाँ। वो हमसे कह रहा है। तू जो बोला वो मैंने बोला, तेरे मन को मैंने खोला। तू जो बोला वो मैंने बोला, तेरे मन को मैंने खोला। मुझे बदनाम करने वालों ये जहर है तुमने घोला। मुझे बनना ही था मोहरा किसी की भी छत पे बजते। दर्द है। मुझे तो बनना ही था मोहरा। बढ़िया आ गए। ये लाउड स्पीकर का दर्द है। लेकिन सुदीप जी आजकल देखिए लाउड स्पीकर से मुद्दे भी उठ रहे हैं। बिल्कुल, है ना। बेरोजगारी वाला मुद्दा भी कल परसों हम देख रहे थे कि किस तरीके से लाउड स्पीकर से उठ रहा है। महंगाई का मुद्दा उठ रहा है लाउड स्पीकर से। मैं तो जी इन मुद्दों की तब ध्यान ही नहीं दिया पाता। अच्छा। क्योंकि सबसे पहले जिस व्यक्ति ने मुद्दा उठाया महाराष्ट्र से ना। हाँ। वो उसके आगे फिर आगे पीछे कुछ दिखता नहीं है। उसने मुद्दा उठा दिया, हमने दूसरा मुद्दा लिया। हो सकता है अपन कुट जाए, महाराष्ट्र जाए। सही बात है। मैंने उसको लेके इसमें बोलने का प्रयास किया। सुनना के फूल भी है अंगार भी है, ठोक दो वाला ये किरदार भी है, आरती अजान में विवाद भी है, सियासी खेतों की यही खाद भी है। बहुत बढ़िया। अच्छा, लाउड स्पीकर परेशान क्यों है। लाउड स्पीकर परेशान क्यों है, अचानक सियासत मेहरबान क्यों है। वैसे तो लोगों ने लाउड स्पीकरों से क्या कुछ ना कहा। हाँ। बात ठाकरे की आई तो हंगामा हो गया। कितने कीर्तन रोकोगे, कितने कीर्तन रोकोगे, घर घर भौंपू निकलेगा, अभिव्यक्ति की आजादी वॉल्यूम नीचे करवा दी, महंगाई पर
महंगाई पर ना मेरा ध्यान क्यों है, महंगाई पर ना मेरा ध्यान क्यों है, बेरोजगारों का बलिदान क्यों है, इन सारे मुद्दों पे भारी सी रियासत का ये टूल है, टूल है इन सारे मुद्दों पे भारी सी रियासत का ये टूल है, बात ठोकने पे आई तो हंगामा हो गया, हंगामा हो गया, हंगामा हो गया, ना तन से है ना धन से, क्या लेना जन गण मन से, ना तन से है ना धन से, क्या लेना जन गण मन से, वाकिफ हो मेरे फन से, मन की मालिक है मन से, मन की मालिक है मन से, ना तन से है ना धन से, क्या लेना जन गण मन से, वाकिफ हो मेरे फन से, मन की मालिक है मन से, भक्ति की शक्ति दिखाने चले हैं, जिंदा है हम ये बताने चले हैं, हाथों में आया है बड़ी मुश्किल से ये मामला, चल पड़ा और बात मीडिया में आई तो हंगामा हो गया, हंगामा हो गया, हंगामा, गजब, बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया। इस हंगामे पर एक शानदार बात कहने का मन है और वो बात कहती हूँ, सुनिएगा। स्वागत। कि अपने मन की भक्ति का पल किसे दिखाना पड़ता है, अपने मन की भक्ति का पल किसे दिखाना पड़ता है, श्रद्धा को ईश्वर के दर पर सीधे जाना पड़ता है, मौन हमारा सुन लेता है जब अंबर वो दिल से ही, मौन हमारा सुन लेता है जब अंबर वो दिल से ही, माइक लगाकर शोर भला फिर किसे सुनाना पड़ता है, माइक लगाकर शोर भला फिर किसे सुनाना पड़ता है। और आप लोगों का मन चाहती हूँ, प्रेम का अब हर एक इशारा खा लेंगी, सदियों का ये साथ हमारा खा लेंगी, भावों का सब भावों को सम्मान यदि ना कर पाए, भावों का सम्मान यदि ना कर पाए, तो चंद जिदे ये भाई चारा खा लेंगी, चंद जिदे ये भाई चारा खा लेंगी, चंद जिदे ये भाई चारा खा लेंगी। तब एक बात कहती हूँ सुदीप जी, जहाँ आपने बात छोड़ी थी मैं वहीं से एक बात कहती हूँ, और डीजे वाले बाबू से कुछ कहना चाहता हूँ, नफरत वाले गाने सब बंद करा दो, बंद करा दो, बंद करा दो, नफरत वाले गाने सब बंद करा दो, लाउड स्पीकर मंद करा दो, मंद करा दो, मंद करा दो, लाउड स्पीकर सारे मंद करा दो, वॉल्यूम बंद करा दो, तार ही हटा दो, लाउड स्पीकर सारे मंद करा दो, वॉल्यूम बंद करा दो, तार ही हटा दो, नफरत वाले गाने सब बंद करा दो, बंद करा दो, बंद करा दो। भाई लाउड स्पीकर की भी अपनी एक पीड़ा है, उसको भी समझेंगे इस ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। चलिए योग की यात्रा पे रोज सुबह 8:25 पर सिर्फ GNT गुड न्यूज टुडे पर।
गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है, देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर। हमारी नजर से कोई भी खबर बचती नहीं, चाहे कहीं कोई खबर वायरल हो रही हो या कोई न्यूज ट्रेंड कर रही हो, खबरों के मेन्यू में लंच टाइम पर हम परोसेंगे ऐसी खबरें जो आपके काम की हैं, आपके सरोकार की हैं। मैं शगुफ्ता और मैं आदिति लेकर आएंगे आपके लिए सिर्फ जीएनटी पर। दुनिया अच्छाई पर टिकी है, बुराई तो इंसान को डराती है लेकिन अच्छाई दुनिया चलाती है। मैं अनंत भट्ट आपके लिए लेकर आऊंगा अच्छी खबरें गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में। कुछ ऐसी खबरें जिनके पीछे छिपी हो गुड न्यूज और जो बदल दे आपका नजरिया, हम लेकर आएंगे ऐसी खबरें अच्छी खबर सच्ची खबर हर रोज रात 8 बजे जीएनटी पर। एक सोच अच्छी और सच्ची जो छोटी है पर होती है, जुड़ती और जोड़ती है, बिखर कर अनंत हो जाती है, कई सांचों में ढलती है, धुंधलाती है पर ओझल नहीं होती, आहट से आवाज बनती है, उम्मीदों का आकाश बनती है, देश से संवाद है हमारी ये सोच, एक शुभ शुरुआत है। कि अब यूपी के भीतर साइलेंट है लाउड स्पीकर कि बाबा जी ने काम कर दिया, हो सुर उठाओगे तो पछताओगे, चढ़ जाएगा बुलडोजर बैरिया, ओ सौरभ जी। कि दिल्ली में एमपी में दंगों की कहानी है, बाबा से फार्मूला ले लो, बाबा बड़े ज्ञानी है, अच्छा है। लफड़ों को झगड़ों को जड़ से मिटाते हैं बाबा जी, गर्मी में सर्दी को लाते हैं, भोपू का भोपू बजा ही दिया है यहाँ, सौरभ दी सौरभ दी। अब यूपी के भीतर साइलेंट है लाउड स्पीकर, लाउड स्पीकर बंद कराने आई एक टोली थी, मुंबई में राज ठाकरे ने जुबा खोली थी, बंद हो लाउड स्पीकर मांग यही होली थी, बात ये उन्होंने लाउड स्पीकर पे ही बोली। बंद हो लाउड स्पीकर मांग यही होली थी, बात ये उन्होंने लाउड स्पीकर पर ही बोली थी। बाबा ने यूपी में बाबा ने चुपके से उड़ा दिया धुआं, सौरभ जी। और आखिरी आखिरी कि वैसे तो लाठी है थाना है ताले हैं, बाबा जी को फॉलो कर लो बाबा भोले भाले, मजहब की धमकिया शोर जो दिखाया तो बिना पूछे किसी ने भोपू बजाया, तो बाजेगा लठ गाओगे जालिमा जालिमा, सौरभ दी। अरे अब यूपी के भीतर साइलेंट है लाउड स्पीकर कि बाबा जी ने काम कर दिया, सुर उठाओगे तो पछताओगे, चढ़ जाएगा बुलडोजर बेरिया, महाराष्ट्र को बाबा जी से सीख लेना, बिल्कुल मन से सीखना चाहिए सुदीप जी, मन से। सब एक ही जगह सबकी सुई अटक जाती है,
मैं इसमें हास्य का पुट देखिए कहां से निकाल के लाया। जी 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 अनामिका जी पुटपुटाई। घर का हर एक काम वो चुनता है दोस्तों। बात है घर का हर एक काम वो चुनता है दोस्तों। स्वेटर भी अपने हाथ से बुनता है दोस्तों। कोई भी लाउड स्पीकर उसे डरा नहीं सकता। बीबी के भौंपुओं को जो सुनता है दोस्तों। भोपू से भोपू मिला क्या बात। एक दर्द उधर भी है अभी आएगा। भोपू भोपू। और सुनिएगा सब चार लाइन आनंद आ जाएगा। और ये आनंद देखिए हमारा देश जो है वो गंगा जमनी तहजीब का देश है। हमको हवा जरा जरा पूर्णम भी चाहिए। घर मखमली हो घास तो शबनम भी चाहिए। मिलजुल के बुझाओगे तभी प्यास बुझेगी। गंगा के आस पास में जम जम भी चाहिए। जन्नत के आस पास कोई नरक नहीं है। जम जम के आस पास कोई नरक तो नहीं। ठहरा हुआ गले में कोई अर्क तो नहीं। जिस नाम से पुकार चाहे तुम पुकार लो। भगवान और खुदा में कोई फर्क तो नहीं। भगवान और खुदा में कोई फर्क तो नहीं। हमको पता नहीं यहाँ दिन है कि रात है। आपस में ही करेंगे जो आपस की बात है। आपस में ही करेंगे जो आपस की बात है। मिलजुल के हम रहे हैं तो मिलजुल के रहेंगे। दो दिन की दोस्ती नहीं सदियों की बात है। दो दिन की दोस्ती नहीं सदियों की बात है। एक दूसरे की राह में कालीन बिछा दो। एक दूसरे की राह में कालीन बिछा दो। एक बाग में है फूल ये दुनिया को बता दो। एक बाग के है फूल ये दुनिया को बता दो। कोई दरार बीच में कायम नहीं रहे। तुम ईद मनाते हो तो होली भी मना लो। तुम ईद मनाते हो तो होली भी मना लो। बहुत बढ़िया। ये समूह भाई ने जो बात कही सचमुच ये देश की बात है। इसी पर मुझे अपनी एक बात याद आती है। लाउड स्पीकर का जब से विवाद चला तब से याद है हमको बचपन में एक फेरी वाला आता था। याद है हमको बचपन में एक फेरी वाला आता था। छोटे से लाउड स्पीकर पे वो पूरा नगर जुटाता था। याद है हमको बचपन में एक फेरी वाला आता था। छोटे से लाउड स्पीकर पे वो पूरा नगर जुटाता था। इमली लड्डू चूरन चटनी खट्टी मीठी गोली बोली। इमली लड्डू चूरन चटनी खट्टी मीठी गोली बोली। सुन लाउड स्पीकर की आवाज ये मन मयूर हो जाता था। क्या बात है। एक मिल पे टंगा हुआ भोपू अक्सर दिख जाता था। एक मिल पे टंगा हुआ भोपू अक्सर दिख जाता था। श्रमिकों को वो सुबह सुबह ड्यूटी की याद दिलाता था। एक मील पे टंगा हुआ भोपू अक्सर दिख जाता था। श्रमिकों को वो सुबह सुबह ड्यूटी की याद दिलाता था। दोपहर में आवाजें देकर खाने को बुलवाता था। फिर शाम ढले वही लाउड स्पीकर छुट्टी का बिगुल बजाता था। बहुत। हमने ही कितनी बार यार लाउड स्पीकर पर हुंकार भरी। जब कॉलेज के दिनों में रहे तमाम दिनों में रहे। हमने ही कितनी बार यार लाउड स्पीकर पर हुंकार भरी। जनगण को जोड़ा जनमन से। जनगण को जोड़ा जनमन से। जनता की क्रुद्ध पुकार भरी। अब समझ नहीं आता बदला क्या जो इतना कुछ बदल गया।
अब समझ नहीं आता बदला क्या, जो इतना कुछ बदल गया कि वो लाउड स्पीकर ने रिश्तों में नफरत गुस्सा तकरार भरी। इसको भोपू लाउड स्पीकर या आवाज का कोई यंत्र कहो, इसको भोपू लाउड स्पीकर या आवाज का कोई यंत्र कहो, किसने रच डाला विघ्न खलल, किसने इतना षड्यंत्र कहो। मर गई सभी संवेदनाएं, इंसान को सचमुच बहरा किया, क्या वाकई लाउड स्पीकर ने ये घाव दिलों में गहरा किया, क्या वाकई लाउड स्पीकर ने ये भाव दिलों में गहरा किया, गहरा किया, कुल मिलाकर हम सबको बहरा किया। क्या चीज था, बहुत अच्छी और संदेशात्मक कविताएं हो रही हैं, वो सुन के बड़ा अच्छा लग रहा है। बिल्कुल, हम किस किस दौड़ में दौड़ रहे हैं समझ में नहीं आता, ये लाउड बजा रहा है, वो भी लाउड बजा रहा है, अच्छा समझ में किसी के नहीं आ रहा कि कर क्या रहे हैं, और बज क्या रहा है? समझने की बात, हाँ बज क्या रहा है, ये तो खुद लाउड स्पीकर जिसके लिए बजा रहे हैं ना, वो अल्लाह को याद कर रहे हैं, ये राम को याद कर रहे हैं, ये भगवान को याद कर रहे हैं, वो खुदा को याद कर रहे हैं, अगर वो सही में सुन ले तो वो भाग जाएं। क्या बात है भैया, इतना शोर क्यों, बस बस बस, ये तो आध्यात्मिक मामला है। सही बात, कितनी बढ़िया पंक्ति अनामिका जी ने कही थी, वो एक पंक्ति पूरे प्रोग्राम पे भारी, धर्म भाव समझ लिए, शोर के बदले भावों से लोग काम, धर्म प्रदर्शन का नहीं, हाँ आत्मदर्शन, आत्मदर्शन, क्या बात है। तो मैं तो चाहता हूँ कि ये भारतीयता कायम रहे, एक संदेश देश के सबसे बड़े टेलीविजन चैनल पे, और नवजोत जी आपकी आपके सानिध्य में बैठ करके, देश के तमाम बड़े कवियों के साथ बैठ करके एक गीत सुनाता हूँ छोटा, स्वागत और संदेश देता हूँ जो ये लाउड स्पीकर बाजियों में लगे हुए हैं, अपने देश को बचा लो, वो सबसे महत्वपूर्ण है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मीनारें और ये जितनी बिल्डिंगें हैं, जाकर यूक्रेन में देख के आइए, सही बात, लाउड स्पीकर कहाँ टांगे वो जगह भी नहीं बची होंगी। क्या बात है, बहुत बड़ी बात है, कि जितना है ये देश हमारा उतना देश तुम्हारा है, क्या बात है, कि जितना है ये देश हमारा उतना देश तुम्हारा है, जितना हमको देश ये प्यारा उतना तुमको प्यारा है, तो उठ मेरे भाई, चल मेरे भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, उठ मेरे भाई, चल मेरे भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, भारत माँ की जय बोले सब, चलो मुट्ठियां तान के, भगत और अशफाक न देखे सपने हिंदुस्तान के, चल मेरे भाई, उठ मेरे भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सुनना के कन्हैया भैया को सलमा भेजे शीर सिवैया, कन्हैया भैया को सलमा भेजे शीर सिवैया, और यशोदा माँ अब्दुल की लेती रहे बलैया, और यशोदा माँ अब्दुल की लेती रहे बलैया, भजन अजानों में होता है भाई बहन का नाता, जो लड़ रहे हैं वो सुन लें, अरे भजन अजानों में होता है भाई बहन का नाता, हो नमाज बारिश में तो बलबीर पकड़ ले छाता, हो नमाज बारिश में तो बलबीर पकड़ ले छाता, नवराते के साथ रखे जाते रोजे रमजान के, भगत और अशफाक ने देखे सपने हिंदुस्तान के, तो चल मेरे भाई, उठ मेरे भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, चल मेरे भाई, उठ के रहमानी चाचा से बोले राम खिलावन कक्का, रहमानी चाचा से बोले राम खिलावन कक्का, जय वीरू के जैसा है याराना अपना पक्का, जय वीरू से जैसा है याराना अपना पक्का, गाड़ी फंस गई कुलविंदर की पीटर मारे धक्का, गाड़ी फंस गई कुलविंदर की पीटर मारे धक्का, और चारों मिलकर झूम उठे जब धोनी मारे छक्का, चारों मिलकर झूम उठे जब धोनी मारे छक्का, लाखों लाख दीवाने हैं, लाखों लाख दीवाने हैं अब भी इरफान पठान के, भगत और अशफाक के सपने थे जिस हिंदुस्तान के, चल मेरे भाई, उठ मेरे भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, चल मेरे भाई, अंतम सुनना, और जीएनटी के माध्यम से आज मैं 2 महीने के बाद आया हूँ, श्रीलंका से सीता एलिया से लेकर के अयोध्या तक की यात्रा करके आए हैं, जिस पथ पर राम गए थे
उस पद से हम लौट करके सबका आभार ज्ञापित करते हुए और मैं पहला टेलीविजन शो कर रहा हूँ उसके बाद। क्या बात? हमने एक ऐसा हिंदुस्तान देख लिया है, बल्कि ऐसी दुनिया देख ली है जहाँ पे प्रेम से बड़ा कुछ नहीं दिखाई देता। आज भी लोग राम जी के पथगमन पर आज भी आंखें अपनी पलक बिछाए बैठे हुए हैं कि प्रभु राम आएंगे। जब हम उनके धन्यवाद आभार देने गए तो हमारे पैर धोए जा रहे थे। हमने कहा हमारे पैर मत धोइए, हम आपका आभार ज्ञापित करने के लिए आए। मेरा सौभाग्य रहा जीवन का जो इतनी बड़ी यात्रा की। सुनिएगा, उस देश में क्या कवि संदेश दे सकता है, सुनना। भगत और अशफाक के सपने थे जिस हिंदुस्तान के, चल मेरे भाई उठ मेरे भाई, हिंदू मुस्लिम सिख के, एक अरब 35 करोड़ की तय हो जिम्मेदारी। पहला व्यंग करता हूँ, और जो वोटों की राजनीति है उस पर व्यंग हो जाए तो आप सबका ध्यान और समर्थन देखे पूरा हिंदुस्तान। जी। के 1 अरब 35 करोड़ की तय हो जिम्मेदारी, क्या बात है? 1 अरब 35 करोड़ की तय हो जिम्मेदारी, वोट तंत्र ना पैर करे अब लोकतंत्र के भारी, वोट तंत्र ना पैर करे अब लोकतंत्र के भारी, राजनीति के फेर में आकर रिश्ते भुला न देना, राजनीति के फेर में आकर रिश्ते भुला न देना, सदियों जुल्म सहे जिस माने उसको रुला न देना, सदियों जुल्म सहे जिस माने उसको रुला न देना, एहसानों को भूल न जाना, एहसानों को भूल न जाना, एहसानों को भूल न जाना, वीरों के बलिदान के, भगत और अशफाक के सपने थे जिस हिंदुस्तान के, तो चल मेरे भाई उठ मेरे भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, भारत माँ की जय बोले सब, चलो मुट्ठियां तान के, भगत और अशफाक के सपने थे जिस हिंदुस्तान। बहुत बढ़िया, बहुत खूब, बहुत बढ़िया। और एक्चुअली इस तरह के सपनों के हिंदुस्तान की जरूरत है। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात कही और बहुत शानदार बात कही है। किन चीजों पे रहे हैं? यही बात आपने कही है एक भारतवासी के स्वर में, जो इस देश में रह रहा है वो क्या कह रहा है, वो कहा है आपने। मैं एक स्वर उठाना चाहती हूँ इस देश का, ये देश क्या कह रहा है आज, ये भाषा उस देश की है जो देश अपने आप में कह रहा है। चार पंक्तियों से शुरुआत करती हूँ और फिर मैं बताती हूँ देश क्या कहना चाहता है। कि अब सलामत रहे आपसी ये, अब सलामत रहे आपसी ये, भाईचारा वतन कह रहा है। क्या बात है? अब सलामत रहे आपसी ये, भाईचारा वतन कह रहा है, मत मिटाओ मुझे नफरतों में, मत मिटाओ मुझे नफरतों में, हमसे प्यारा वतन कह रहा है, मत मिटाओ मुझे नफरतों में, हमसे प्यारा वतन कह रहा है। हम नहीं जान पाते कि क्या चल रहा है, लेकिन ये वतन सब कुछ जानता है कि कुछ गलत फहमियां बो रहे हैं, अमन को जो, अमन को चाहते जो नहीं है, क्या बात है? कुछ गलत फहमियां बो रहे हैं, अमन को चाहते जो नहीं है, मान कर उनकी हो जाओगे तुम, मान कर उनकी हो जाओगे तुम, बेसहारा वतन कह रहा है, मान कर उनकी हो जाओगे तुम, बेसहारा वतन कह रहा है, मत मिटाओ मुझे नफरतों में, ये कहे मैं सही वो गलत है, वो कहे वो गलत मैं सही हूँ, ये कहे मैं सही वो गलत है, वो कहे वो गलत मैं सही हूँ, ये कहे मैं सही वो गलत है, वो कहे वो गलत मैं सही हूँ, है सही
सिर्फ वो जिसके दिल में, पंक्ति सुनिएगा, चाहे वो हिंदू है या वो मुस्लिम है, वतन क्या कहता है सही सिर्फ वो जिसके दिल में, है सही सिर्फ वो जिसके दिल में, दिल हमारा वतन कह रहा है सही सिर्फ वो जिसके दिल में, दिल हमारा वतन कह रहा है। और एक प्यारी सी बात कहने का मन है, आपने एक बहुत अच्छी बात बोली थी भगत सिंह अस्पाक, वो तमाम शहीद जिन्होंने इस देश के लिए, हमारे लिए अपनी जान दी, वो तमाम सारे जिनके नाम हमें याद हैं या नहीं, मैं उनकी ओर से एक बात कहती हूँ, वतन उनकी ओर से एक बात कहता है कि सोचते होंगे क्या वो सितारे, बहुत खूब, जान देकर शहीद हुए जो, सोचते होंगे क्या वो सितारे, जान देकर शहीद हुए जो, क्या यही लोग हैं जिनके खातिर, क्या यही लोग हैं जिनके खातिर, जाको वारा वतन कह रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत मिटाओ मुझे नफरतों में, हमसे प्यारा वतन कह रहा है, अब सलामत रहे आपसी ये भाईचारा वतन कह रहा है। बहुत खूब अनामिका जी, और आपका जिस, आपने जिस बात का जिक्र किया, मुद्दे गायब हैं, लाउड स्पीकर है या बुलडोजर है, सही बात, क्यों शंभू जी? जी, लाउड स्पीकर भी है, बुलडोजर भी है, और मैं देखिए एक चीज कह सकता हूँ चार लाइनों में, बिल्कुल अपने अंदाज से थोड़ा सा अलग। स्वागत है, स्वागत है। कि पूरी दुनिया आज हमारी ओर देखती तकती है, पूरी दुनिया आज हमारी ओर देखती तकती है, और सोचती राजनीति भारत की क्या क्या बकती है, कई जरूरी मुद्दे पीछे हमने करके दिखा दिए, कई जरूरी मुद्दे पीछे हमने करके दिखा दिए, लाउड स्पीकर पर अब भी हम राजनीति हो सकती है, क्या बात है, राजनीति हो सकती है। बहुत बढ़िया भैया, और देखिए साथ में कि जो दे दे तकलीफ किसी को, ऐसा कारण ठीक नहीं, जो दे दे तकलीफ किसी को, ऐसा कारक ठीक नहीं, मजहब की कट्टरता वाला कोई प्रचारक ठीक नहीं, मजहब की कट्टरता वाला कोई प्रचारक ठीक नहीं, सच्चे मन वालों की सुन लेता नीली छतरी वाला, छच्चे मन लालों की सुन लेता नीली छतरी वाला, उसे सुनाने की खातिर ये ध्वनि विस्तारक ठीक नहीं, उसे सुनाने की खातिर ये ध्वनि विस्तारक ठीक नहीं, वैसे तो हम प्यार मोहब्बत करने वाले टीचर हैं, और हमारे अंदर देखो देश भक्ति के फीचर है, स्पीकर का दर्द तो ठीक से समझो जानो, क्योंकि हम सारे कभी भी लगता चलते फिरते लाउड स्पीकर। आज सही मायने में सियासतदानों को हमारा एक कवि सम्मेलन देखना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल सही मायने में देखना चाहिए, कि हो सजीव निर्जीव कोई भी खोपड़ी धुननी पड़ती है, किसी और की इच्छा से दिनचर्या चुननी पड़ती है, किसी और की इच्छा से दिनचर्या चुननी पड़ती है, स्पीकर मंदिर मस्जिद का हो या फिर संसद का ही हो, बिन गलती को बेचारे को सबकी सुननी पड़ती है, बिन गलती के बेचारे को सबकी सुननी पड़ती है। बहुत खूब, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया शंभू जी। तारीफ वाली बात है कि जो लाउड स्पीकर मुद्दे उठाता था, हाँ। आज वो खुद मुद्दा बना हुआ है। क्या बात है, क्या बात है। और इस पीड़ा से
दो लाउडस्पीकर आपस में बात कर रहे हैं। अच्छा, तो देखिए पहली बार गुड न्यूज टुडे जैसे इतने प्यारे से चैनल पर मैं मुक्त छंद कविता पढ़ रहा हूँ, छंद मुक्त कविता पढ़ रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ, और मैं इस लायक समझता हूँ कि इस कविता को इस वक्त सुनाया जाए। नवजोत जी, सुदीप भाई देश के बड़े बड़े कवि, सुनिएगा कि हिंदू मुस्लिम विवाद में हरा लाउड स्पीकर केसरिया लाउड स्पीकर से बोला, रे मित्र भोला, ये इंसान अपने स्वार्थ में हर सीमा लांग देते हैं, जहां हमारी जरूरत नहीं वहां भी टांग देते हैं, जहां हमारी जरूरत नहीं वहां भी टांग देते हैं। माना कि हमारा इस्तेमाल आवाज को बढ़ाने के लिए होता है, फिर मेरे बजने से इंसान अपना आपा क्यों खोता है, ना चाहते हुए भी, एक महीन इशारा समझना, लाउड स्पीकर के भी अपने दर्द हैं, ना चाहते हुए भी हमने अपने दामन पर दाग लगाए थे, हमें ही बजाकर कुछ दुष्टों ने कश्मीर से पंडित भगाए थे। सियासत ने हमें अपनी उंगलियों पर नचाया है। अब इसमें आनंद लो, काश हम उन घरों पर टांगे जाते जहां पत्नी पीड़ित पति, काश हम उन घरों पर टांगे जाते जहां पत्नी पीड़ित पति हमसे कुछ आशा करते, रोज सुबह 5 बजे पतियों के मुख से पत्नियों के अत्याचार का हम ही खुलासा करते, रोज सुबह 5 बजे पतियों के मुख से पत्नियों के अत्याचार का हम ही खुलासा करते, और क्या क्या करते कि दुकान के बाहर महंगाई का, थाने के बाहर दंगाई का, कचहरी के बाहर पाप का, दहेज मांगते बाप का, रिश्वत लेते कर्मचारी का, बेटियों को नोचते अत्याचारी का, मुल्क के गद्दारों का, झूठ छापते अखबारों का, ढोंगी सुर्प नखाओं का, दिल तोड़ने वाली बेवफाओं का। मंदिर और मस्जिदों पर लगे हुए लाउड स्पीकरों से होने लगा बवाल। अरे तुमसे अच्छी तो वो कचरे वाली गाड़ी पे लगा हुआ लाउड स्पीकर है जो कहता है गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। जिंदाबाद भाई। तो सुनिएगा कि तहजीब मिल के रहने की फकत आंगन सिखाएगा, कि चेहरों को देखने का सबक तुम्हें दर्पण सिखाएगा, कह लो जितना कहना है लौट कर घर ही आओगे, तुम्हें तब पाठ संस्कृति का मेरा बेलन सिखाएगा। चलिए हम उम्मीद यही करते हैं कि शोर गूंजे तो मुद्दों का ही गूंजे, आवाज सुनी जाए तो जरूरतमंदों की सुनी जाए, ना भजन की आवाज पर सवाल हो और ना आगे अजान पर बवाल हो, दुनिया खुशहाल रहे और जिंदगी आबाद रहे। इसी उम्मीद के साथ कवि सम्मेलन के लिए अभी के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाजत अच्छी और सच्ची खबरों के लिए, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। है टीवी